अभी मैं जो जा रहा हूँ मेहरानगढ़ के किले के ऊपर जा रहा हूँ, जो राजस्थान में सबसे फेमस है वो मेहरानगढ़ किला है। रेलवे स्टेशन से जो दूरी है मेहरानगढ़ की वो 5.5 किलोमीटर है। वहाँ से आप रिक्शा पकड़ के भी जा सकते हैं। ऑटो को 150 रुपये या 200 रुपये लेते हैं, या फिर आप बाइक लेके भी रेंट पे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। बाइक जो है 250 या 300 पे रेंट पे मिल जाएगी पर डे के हिसाब से। सिर्फ आपको वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। अभी मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे मेहरगढ़, तो आपको सामने की तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा देख रहा है। मैं तो यहाँ से ऑटो से मैं जानबूझ के यहाँ पे उतरा, क्योंकि देखते ही यहाँ से चलते चलते आपको नज़ारा दिखाते हुए चलूँ। ये सीधे रास्ता जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, पता नहीं अभी 200 मीटर ऊपर होगा। मुझे तो ऑटो वाले ने 150 रुपये लिया था यहाँ तक ऊपर आने के, जाने के तो अलग से होंगे, ऊपर तो ज़्यादा लेते होंगे आते समय। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो से मत जाइए। लिफ्ट मांगे तो लिफ्ट मांग सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, कोई लिफ्ट भी देगा तो दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आपको मैं कंपनी के ड्रेस में दिख रहा हूँगा। यहाँ का जो पोर्ट का टाइमिंग रहता है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहता है शायद। अभी तो 4 बज चुके, अगर मैं 5 बजे से पहले ऊपर जाता हूँ तो मुझे टिकट मिल सकती है। उसकी कॉस्ट जो 100 रुपये पड़ती है, ऐसा रिक्शा वाले ने तो बताया था। देखते हो ऊपर जाके कितना लेते हो। तो देखते हैं कोई भैया अगर लिफ्ट देते हैं तो उस लिफ्ट में से उनकी गाड़ी से गाड़ी के ऊपर से जाते हैं। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि वो काउंटर क्लोज ना हो जाए जो टिकट वहाँ पे देते हैं, तो इसलिए। और आपको सनसेट का भी नज़ारा दिखाऊंगा वहाँ ऊपर जाके। गाड़ियाँ ऐसी भी टेम्पो जाती है, आप देख सकते हैं ये जो टेम्पो होते हैं वो भी ऊपर ले जाती है। तो आप कहीं पे ऐसी टेम्पो देखेंगे तो आप जा सकते हैं ऊपर। थैंक यू। अगर आप किसी से हेल्प लेते तो ऐसे भैया है जो हेल्प कर देते। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? यही तो थैंक यू भाई सर। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पार्किंग लगा सकते हो यहाँ पे।
उसने भैया अगर आप भी कहीं आ जाओ तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो आप। अभी ये तो आपको सामने वाला नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से कुछ वीडियो भी बनाना चाहता था लेकिन इतना टाइम नहीं कि वहाँ तक जाओ टिकट काउंटर के। अगर टिकट काउंटर बंद हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना मैं जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग चेकिंग और आपकी चेकिंग हो जाती है, जैसे कि आप कोई तंबाकू या कुछ वगैरह लाते हो पैंट में तो वही निकाल देते हैं। हर पोर्ट में तो चेक होता ही रहता है क्योंकि आपको तो पता है लोग गंदगी कर देते हैं, तो तंबाकू कुछ भी कुछ पुड़ी वुड़ी ला के अंदर खा देते, थूक देते। तो अभी देख रहे हैं मेन एंट्रेंस है हमारा ये। अगर आप कोई स्टूडेंट होगे तो ही 100 रुपये रहेंगे, नहीं तो 200 रुपये लेंगे। आपके कोई कॉलेज आईडी होगी तो आप ज़रूर लाना यहाँ पे, जिससे कि आपका पैसा बचत हो जाए। 100 रुपये ले लें, मैंने तो पूछ के देखा, वो तो मना कर दी। मेरे पास कॉलेज आईडी भी नहीं थी कोई। और ऑनलाइन भी पेमेंट लेते, ATM से स्कैन करके भी लेते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप कैश ही दे वहाँ पे। आप यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपका, तो पहले एंट्रेंस का है पूरा। तो आपको कैफे भी मिल जाएगा अंदर, 80 से रेट शुरू होते, 120 तक जाते हैं। तो आप कोल्ड कॉफ़ी वगैरह यहाँ पी सकते, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप अंदर आते ही तोपखाना गोला देख सकते हैं वहाँ पे सामने, और यहाँ पे कुछ बजाते हुए भी आपको दिख सकते हैं। आप पीछे से आ गए तो यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे नीचे इस साइड। मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले ऊपर जाके आता हूँ, पहले ऊपर जाते हैं, पहले सनसेट का नज़ारा देखेंगे, कहीं सनसेट मिस ना हो जाए। मुझे किसी से सुनाई दिया कि नीचे गार्डन है, देखते हैं ऊपर जाके।
बजाते हुए आपको कहीं भी दिख जाएंगे, दो तीन जगह तो दिख ही जाएंगे आपको। और अभी तो ऊपर चलने को तकलीफ हो रही है। अच्छा हुआ कि उस लड़के ने लिफ्ट दिया। यार मैं खुद की तो ब्लॉग बना पा रहा हूँ लेकिन खुद की फोटो और वीडियो नहीं ले पा रहा। आप पे देख सकते बहुत सारे आपको मिलेंगे। हाँ हाँ, यहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है कि यहाँ पे आप 2 मिनट रुक भी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो ना तो यहाँ पे 2 मिनट रुक के देखिए, और हवाएं आते आ जाती। प्राइवेट है जा सकते हैं। अच्छा सर, आपको 2 कॉपीज मिल जाती है, 1 कॉपी इधर दिखा के आप म्यूजियम देख सकते हैं। यहाँ तो यहाँ ऊपर आएंगे ना, वो बढ़िया नज़ारा है शायद, मुझे लग रहा है ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, जिसे रानी देखती थी ना खिड़कियों से, वो नज़ारा ये। बाप रे अलग ही है। हाँ नीचे से आया हूँ मैं, ये देख सकती हूँ यहाँ के अंदर की भाई।